Responsibility must prevail. Absolutely. Gajanan ji, jo senior PRO hain Western Railways ke, kitna serious hai ye mudda? He was just saying, you know, so many people get affected. शाहिद जी ने जैसे अभी बताया कि कितना सीरियस मुद्दा है, कई साल आपकी आपके बयान का स्वागत करते हैं कि आपने इतना इनिशिएटिव लिया और इतना रुचि आप दिखा रहे हैं। ये काफी सीरियस मुद्दा है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि लोकल ट्रेनों को मुंबई की लाइफ लाइन कहा जाता है, लेकिन अगर प्रॉपर सेफ्टी इंश्योर नहीं की जाती तो यही हमारी लाइफ खतरे में भी आ सकती है। तो इसलिए ये बहुत सीरियस मुद्दा है कि जब रेल की पटरी लोग पार करते हैं तो उन्हें एजुकेट किया जाए, उन्हें मोटिवेट किया जाए कि रेल की पटरी पार ना करें, पूरी सेफ्टी बरतें और पूरी सुरक्षा के साथ में अपना सफर तय करें, क्योंकि रोजाना 70 लाख लोग मुंबई में सफर करते हैं ट्रेन से, ये बहुत बड़ी संख्या है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे देश में 1,40,00,000 लोग रोजाना रेल से सफर करते हैं, उसमें से आधे लोग सिर्फ मुंबई में सफर करते हैं। ये एक बहुत रोचक तथ्य है, अगर आप सब लोग जानेंगे इस चीज को। तो हम पश्चिम रेलवे ने और ये बिग एफएफ ने और ह्यूमैनिटेरियन जो इनकी संस्था है, एनजीओ है, इन तीनों ने मिलकर बहुत अच्छा अभिनव पहल की है मुंबई की लोकल ट्रेनों में सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए। हम सभी इसका स्वागत करते हैं, हम चाहेंगे कि ये पहल आगे भी बनी रहे, ये सिलसिला जारी रहे और शाहिद जी जैसे और कुनाल जी जैसे लोग, बड़े बड़े दिग्गज लोग इस अभियान से जुड़े ताकि लोगों की रुचि भी इसमें शामिल हो। मैं सिर्फ चार पंक्तियां कह के लोगों को एक अपील पश्चिम रेलवे की तरफ से करना चाहूंगा। मैं एक पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ चार लाइनें कहना चाहता हूँ कि घर पर कोई अपना है जो आपको करता बेहद प्यार, घर पर कोई अपना है जो आपको करता बेहद प्यार, रोज शाम को करता है जो घर पर आपका इंतजार, रेल की पटरी पार न करें, पुलों का करें इस्तेमाल, आप रहेंगे सदा सुरक्षित और हमेशा ही खुशहाल। धन्यवाद। मुंबई के लोगों के लिए डजंट मैटर व्हिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी दे कम फ्रॉम, दे वर्क ऑन देयर मेडिकल एक्सपेंसेस, दे गिव देम लाइफ लॉन्ग सपोर्ट मेडिकली। तो यू नो यू कैन डू इट, अ लॉट ऑफ एक्सीडेंट केसेस पुलिस वगैरह से भी आई है, कितना मतलब कितना बुरा होता है कि आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। हाँ, मेरे पास काफी सारे लोग आते हैं मेडिकल एड के लिए और यही चीज मुझे मोटिवेट किया कि क्यों नहीं अवेयरनेस लाई, और इसी जरिए मैंने रिक्वेस्ट किया वेस्टर्न रेलवे से और 92.7 FM से कि इस 92.7 बिग एफएम से कि इस चीज को अवेयरनेस लाए, काफी लोग जो ट्रेवल कर रहे हैं उनको, हाँ उनको बताया जाए कि प्लीज ट्रैक ना क्रॉस कीजिए, अपनी लाइफ रिस्क पे ना लीजिए, स्टे अलर्ट स्टे सेफ, दैट इज माय मैसेज। और मैं चाहती हूँ कि ऐसी और भी अवेयरनेस होए और स्टार लाइक शाहिद कपूर हैज मोटिवेटेड द क्राउड, और मुझे ऐसे लगता है कि इस 4 डेज अवेयरनेस ड्राइव से काफी सारे चेंजेस हुए हैं और लोग आई थिंक दे आर नॉट क्रॉसिंग द ट्रैक, दे आर नॉट हैंगिंग ओवर। और लेट्स तेरी मेरी कहानी को अधूरी कहानी नहीं बनाना है, उनकी कहानी अधूरी ना रहे। एब्सोल्युटली, ओके, वी रिक्वेस्ट जान तक पहुंचाना है, इसके लिए हमें सेफ्टी इंश्योर करना है। आप सेफ्टी बनाओ, लाइफ बनाओ, इस स्लोगन को भी शायद आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज साइन द सेफ्टी लाइफ बनाओ को। अरे 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 स्टील हमको भी लेना दो यार, अरे वापस ही आया मुझ पे अंकित, सिग्नेचर नहीं मिला।